आइए स्वीट्स स्टार्ट करते हैं। आपके साथ मैंने ये बात करी थी कि हम बात करेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस। तो आइए सेल और एग्रीमेंट टू सेल्स में डिफरेंस ढूंढते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स इसमें हम पहला जो बेसिस हम बात करते हैं वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। भूल गए प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑनरशिप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सेल में, सेल का क्या मतलब है? सेल का मतलब है कि व्हेन सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर। जब सेलर ने मालिकाना हक बायर को दे दिया तो वो क्या हो गया? सेल हो गई स्टूडेंट्स। तो यानी सेल में ट्रांसफर प्रॉपर्टी किसकी, किसके साथ हो गई? यहां पर हो गई। कब हो गई? तभी की तभी हो गई। यानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी यहां पर हो जाती है। यस इट इज ट्रांसफर टू बायर। और यहां पर क्या लिखूंगा? नो इट इज स्टिल रिमेन विद सेलर। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? वो सेलर के साथ क्यों है? क्योंकि फ्यूचर डेट पर सेल होगी ना। फ्यूचर डेट पर सेल होगी तो फिर वो ऑनरशिप उसी दिन ट्रांसफर होगा, क्योंकि गुड्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो पहला तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा डिफरेंस मैं लेता हूं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट, सेल का टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? बायर ने बाई कर लिया है, सेलर ने सेल्स कर लिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर, दोनों पार्टीज ने परफॉर्म क्या कर दी? परफॉर्म। जहां दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दी हो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? बोलो। उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्री, भूल गए थे ना। और जहां पर कोई भी एक पार्टी की परफॉर्मेंस अभी रह रही हो तो उसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, उसे हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो ये सेल जो है वो क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, और एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस अभी बाकी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी फ्यूचर में अभी माल की जो है, जो फ्यूचर में गुड्स अभी आइडेंटिफाइड होना है और फिर उसके बाद ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, तो अभी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अभी दोनों पक्षों में से किसी का भी बाकी है, तो ये क्या कहलाएगा? हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। थर्ड स्यू बाई अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? जो पार्टी परेशान है, जिसके साथ दुख हुआ, जिसके साथ जो जिसके पास जा रही है फरियाद के लिए, बचाओ बचाओ मेरे साथ ऐसा हो गया, अग्रीव्ड पार्टी। तो स्टूडेंट्स अग्रीव्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। बायर कैसे अग्रीव्ड पार्टी हो सकता है? बायर को गुड्स नहीं मिला, ठीक है, तो वो अग्रीव्ड पार्टी बन गया। सेलर अग्रीव्ड पार्टी क्या हो सकता है? उसे पेमेंट नहीं मिली, तो कोई भी पक्ष हो सकता है। तो आइए स्यू बाय अग्रीड पार्टी, यानी अगर बायर है, बायर अगर स्यू करेगा, मुकदमा करेगा, तो किस लिए करेगा? मुकदमा करेगा वो गुड्स को पाने के लिए, क्योंकि वो पेमेंट कर चुका, मान लीजिए गुड्स उसके पास नहीं आया है, तो वो सेलर पर किस लिए करेगा? स्यू फॉर गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स? और अगर अगर अग्रीव पार्टी स्टूडेंट्स सेलर है तो वो बायर पर मुकदमा करेगा, किस लिए करेगा? सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो करेगा स्यू फॉर प्राइस। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के माइंड में आएगा कि सेलर गुड्स के लिए मुकदमा क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने आपको बताया कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट में
ऑनरशिप पहले ट्रांसफर हो जाती है, तो मालिक कौन हो गया? मालिक हो गया बायर। तो एक बार जब आप दूसरे आदमी को मालिक बना देते हैं तो दोबारा खुद मालिक नहीं बन सकते, बिकॉज जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है आपने। कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है? जनरल प्रॉपर्टी। तो एक बार वंस यू हैव ट्रांसफर योर जनरल प्रॉपर्टी, यू कांट रिकवर दैट जनरल प्रॉपर्टी, क्योंकि आप यू हैव ट्रांसफर, यू कांट रिकवर दैट जनरल प्रॉपर्टी। तो यानी आप मालिक जब दूसरे को बना दिया तो अब आप दोबारा मालिक नहीं बन सकते, तो आप उसका जो कंसेशन था आप सिर्फ उसी को पाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट हम सेल पढ़ रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल नहीं पढ़ रहे हम। तो सेल में तो आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया ना, क्या पढ़ लिया? कि आपने मालिक बना दिया उसको। तो अब मालिक बना दिया और आपको पेमेंट नहीं मिली है तो तुम सेलर हो, तो तुम वापस गुड्स कैसे पा सकते हो? मालिक तो वो है, मालिकों से चीजें नहीं छीनी जा सकती। हाँ, आप पैसे के लिए उपयोग कर सकते हैं कि जज साहब से कह सकते हैं, जज साहब मेरे कीमत मुझे दिलवाइए। बायर, बायर तो गुड्स खरीद चुका है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, तो बायर किस लिए मुकदमा करेगा? गुड्स को पाने के लिए। वो ये नहीं कह सकता मेरे पैसे वापस दिलवाइए, क्योंकि वो मालिक बन चुका है। तो अब वो पैसे वापस कैसे मांगेगा? वो तो गुड्स मांगेगा। अब आप कहेंगे अगर गुड्स खराब है तो उसके लिए वो डैमेजेस मांग सकता है, और गुड्स को वापस करने का भी उसको राइट है, जो हम पढ़ेंगे कंडीशन और वारंटी में। अभी हम सिंपल मीनिंग लेकर चल रहे हैं ऊपर ऊपर से। और एग्रीमेंट टू सेल में मालिक कौन है? सेलर है। तो फिर बायर जो है सामान को वापस मांग ही नहीं सकता, बायर उन्हीं चीजों को मांग सकता है जिसका वो मालिक है। तो गुड्स का मालिक तो वो बना नहीं है, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट टू सेल का है, तो वो किसके लिए करेगा? वो सीव फॉर प्राइस या अमाउंट पेड, अमाउंट पेड। तो वो अमाउंट पेड के लिए मांग सकता है, ठीक है। डैमेजेस के लिए कर सकता है वो, कि जो भी डैमेजेस है उनके लिए भी कह सकता है वो। डैमेजेस यहां भी चल सकते हैं, वो सीव गुड्स के लिए भी कर सकता है और डैमेजेस के लिए भी कर सकता है। लिख देते हैं, सेलर प्राइस के लिए भी कर सकता है और डैमेजेस, डैमेजेस का अधिकार तो सभी की पार्टीज के पास है, सभी अग्रीड पार्टी जो भी होती है, पीड़ित पक्ष जितने भी होते हैं, दुखी आत्मा जितने भी होती है, उन सबको पाने का अधिकार है। सेलर, सेलर, सेलर क्या किस चीज के लिए मुकदमा करेगा एग्रीमेंट टू सेल्स में? एग्रीमेंट टू सेल्स का मतलब है कि आपने फर्नीचर तैयार कर दिया, 15 तारीख वो डेट थी, 15 तारीख को सारा दिन आप ऑफिस में बैठे इंतजार करते रहे, अपनी शॉप पर बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन जो बायर था वो नहीं आया, तो सारा दिन बीत गया। अब आप क्या करेंगे? मालिक तो आप हैं, आप ही मालिक रहेंगे, तो आप सेलर से सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं। तो आप किस लिए मांगेंगे? क्यू फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस मांग सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद फोर्थ एक चीज और लिखवा देते हैं, रिस्क। रिस्क, रिस्क क्या होता है स्टूडेंट्स? रिस्क का मतलब है स्टूडेंट्स कि जैसे कि माल का चोरी हो जाना, आग लग जाना, ये रिस्क है। अगर मान लीजिए मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल परचेज करी है और बाई चांस वो गिर जाती है और टूट जाती है, तो ये रिस्क है। ये रिस्क किसका है, मेरा या सेलर का? मान लीजिए मैंने कोई कैमरा बाई करा, कैमरा कल को चोरी हो जाता है, तो उसका रिस्क किसका है, मेरा या सेलर का? रिस्क का मतलब समझ में आ गया। तो रिस्क किसको फॉलो करता है? तो स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी यही कहता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी यही कहता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी एक ही बात कहता है जो मैं बोलने जा रहा हूं। रिस्क ऑलवेज फॉलो ऑनरशिप, स्टूडेंट ये रूल है, लिख लीजिए आप सभी स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं मेरे को। रिस्क ऑलवेज फॉलो ऑनरशिप, यानी रिस्क जो है एसोसिएट विद ऑनरशिप, जो मालिक है वही रिस्क बॉर्न करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, तो इसका जवाब मिल गया। सेल में हम मालिक कौन है? सेल में मालिक कौन है? सेल में मालिक कौन है? बायर। तो यानी रिस्क किसके साथ है? विद बायर। और यहां पर कौन किसके साथ रिस्क है बताइए? यहां पर है, यहां पर मालिक कौन है? यहां पर बायर है, सेलर। तो रिस्क किसका है? सेलर का, यानी ये जो है विद सेलर, यानी इसका मतलब 15 तारीख तक वो गुड्स चोरी हो जाता है दुकान में से, तो जो शॉपकीपर है या जो फर्नीचर डीलर है वो उसका पैसा वो ग्राहक से मांग सकता है? नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि अभी बायर मालिक ही नहीं बना था,
तो इसलिए वो नहीं मांग सकते, रिस्क शॉपकीपर का रहेगा। आइए केस की बात करते हैं कि एक व्यक्ति ने एक कार को परचेज कर लिया और उसने ये कहा कि इसकी डिलीवरी मेरे को एक फ्यूचर डेट पर दे देना, जिस दिन मेरी बहन की शादी है उस दिन मैं डिलीवरी ले लूंगा और उस दिन मैं सीधे जो शादी का मंडप है वहां ले जाकर कार खड़ी कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट्स, एन शादी से एक दिन पहले फर्नीचर डीलर के यहां पर जो छत थी वो गिर गई और कार नीचे दब गई। तो अब ये जो रिस्क है वो किसका है, कार खरीदी थी वो या कार डीलर का? तो स्टूडेंट इसका आंसर देने जा रहा हूं मैं, आप बता सकते हैं इसका आंसर? चलो सब अलग अलग सोच रहे हैं, हम मैं डायरेक्ट डील करता हूं। तो स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले देखो सेल का था या एग्रीमेंट टू सेल का था। अब आप कहेंगे फ्यूचर डेट पर डिलीवरी का था तो एग्रीमेंट टू सेल था, नहीं। मैं आपको क्या बात बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनिए, डिलीवरी फ्यूचर में भले ही होनी हो तो वो कभी भी एग्रीमेंट टू सेल नहीं बनाते। डिलीवरी इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज डिलीवरेबल स्टेट। जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए सेल्स के लिए। डिलीवरेबल स्टेट सेल्स का मतलब है, मैं इसे ऐसे समझाता हूं कि आप एक दुकान पर मिठाई खरीदने गए और वो मिठाई अभी तैयार नहीं है, तो ऐसी हालत में ये एग्रीमेंट टू सेल है। पर अगर मिठाई तैयार है और उसने पैकिंग नहीं करी है तो भी स्टूडेंट की एग्रीमेंट टू सेल अभी सेल नहीं है। पर स्टूडेंट्स अगर आपने मिठाई की पेमेंट कर दी है और उसने मिठाई को प्रॉपर वेट करके पैकिंग करके आपके लिए रख दिया और आपको बोल दिया है कि सर आप इसको ले लीजिए, आपको नोटिस में दे दिया और आपने ध्यान दे दिया, तो इसका मतलब ये सेल हो गया। और मान लीजिए आपने उसे कहा कि आप इसे रख लीजिए और मैं कल आकर ले लूंगा आपसे, तो स्टूडेंट ये एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, ये तब भी सेल ही रहेगा। आप भले ही डिलीवरी आप जब मर्जी लो, शॉपकीपर ने तो डिलीवरी स्टेट बना दी थी उसकी और वो डिलीवरी स्टेट में था तो वो डिलीवरी के लिए तैयार है। अब आप चाहे डिलीवरी आप 2 दिन बाद लें या 15 दिन बाद लें, डेट ऑफ डिलीवरी का कोई मतलब नहीं है, पोजीशन ऑफ डिलीवरी का मतलब है कि जो डिलीवरी जो गुड्स की जो पोजीशन है डिलीवरी डिलीवरेबल है या नहीं, डिलीवरी के लायक है या नहीं। कार डिलीवरी स्टेट में थी, ग्राहक ने अपनी इच्छा से कहा कि मैं फलानी फ्यूचर डेट पर कार को अपनी बहन की शादी के लिए उसे मंडप में ले जाऊंगा, तो इसलिए अब जो रिस्क है वो कार बायर का रहेगा स्टूडेंट्स। तो जो लॉस था वो बायर सहेगा, बायर बियर करेगा, वो कार डीलर बियर नहीं करेगा। तो सवाल उठता है कि कार डीलर तो ऐसे कार को जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका जवाब है नो। जब आपने कार उसको दे दी, जब आपने कार उसको दे दी तो ऐसी हालत में क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी है वो कार को ध्यान से रखे। अगर उसने लापरवाही बरती तो आप उसे डैमेजेस ले सकते हैं। उसकी पोजीशन एक बेली की पोजीशन होगी, बेली का मतलब जो सामान की देखभाल कर रहा है, जो सामान का चौकीदार की तरह काम कर रहा है। बस मान लीजिए उसने क्या करा कि अपनी सभी कारों को उस छत से नीचे निकालकर किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया था और केवल आपकी कार थी वो जो वहां रह गई थी और वो दब गई, तो जज साहब इस बात को देखने के बाद एक ही फैसला सुनाएंगे कि कार डीलर इज रिस्पॉन्सिबल और वो उस प्राइस को डैमेजेस के रूप में अलाउ करेंगे। क्योंकि जब तुमने अपनी कार बचाई तो वो कार जो ग्राहक ने आपको दी थी हिफाजत करने के लिए, आपने उसे क्यों नहीं बचाया? आपकी ड्यूटी बनती है उस कार को बचाना, उसे बचाना चाहिए था, ठीक है स्टूडेंट्स। पर मान लीजिए उस कार के साथ कार डीलर की भी 2-3 कार दब गई, तो इसका मतलब उसने वही करा जो अपनी कारों के साथ वो कर रहा था। ऐसी हालत में कार दबने से जो लॉस हुआ है उसे सेलर बियर नहीं करेगा, उसे बायर ही बियर करेगा। अगर उसने इंश्योरेंस नहीं कराया था तो बायर बियर करेगा, और अगर उसने इंश्योरेंस करा रखा था तो वो अपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सकता है पर सेलर से नहीं मांग सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये डिफरेंस है मेन जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में होते हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूं कि सेल जो में ऑनरशिप जो होती है वो बायर की होती है क्योंकि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। एग्रीमेंट टू सेल में जो ऑनरशिप है वो सेलर के पास है। सेल में काम पूरा हो चुका है बायर और सेलर का,
तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए मैंने कोई गुड्स उधार में परचेज करा है क्रेडिट पर, तो क्या वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है? तो स्टूडेंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि पेमेंट इज नॉट एन इश्यू, पेमेंट से कोई मतलब नहीं है सेल का या बाई का, पेमेंट फ्यूचर डेट पर है उससे कोई मतलब नहीं, वो पेमेंट आए या ना आए गुड्स हैज बीन सोल्ड, अगर गुड्स में ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड इट हैज बीन सोल्ड, तो इसलिए वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। कल को पेमेंट नहीं आती है तो जो सेलर है वो बायर से सिर्फ प्राइस मांग सकता है जो हमने लिख दिया स्वीफर प्राइस, क्योंकि पेमेंट नहीं आई, लेकिन वो गुड्स वापस नहीं मांग सकता क्योंकि उसने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है, तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां पर एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ऑनरशिप तो फ्यूचर डेट पर ही ट्रांसफर होगी, तो इसलिए ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्यू बाय एग्रीड पार्टी जो भी पीड़ित पक्ष है, जो भी दुखी आत्मा है, चाहे वो कभी बायर होता कभी सेलर होता है, तो ऐसी हालत में जो एग्रीड पार्टी है अगर बायर है तो बायर अपने गुड्स को वापस मांग सकता है क्योंकि वो गुड्स का मालिक बन चुका है, तो अगर गुड्स शॉप से उसके पास नहीं आई है जैसे आनी चाहिए थी तो वो अपने गुड्स के लिए डिमांड कर सकता है और डैमेजेस के लिए भी डिमांड कर सकता है अगर उसे उसमें वहां पर कोई उसे कोई एक्स्ट्रा क्लेम हुआ है तो। और एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि अभी गुड्स सेलर के पास ही है तो सेलर गुड्स तो कभी मांग ही नहीं सकता क्योंकि गुड्स तो उसी के पास है, वो सिर्फ प्राइस या डैमेजेस के लिए ही स्यू कर सकता है। ठीक है, तो वो डैमेजेस के लिए करेगा और जितना उसे लॉस हुआ है उसी के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे प्राइस मिटा देना चाहिए, स्यू फॉर डैमेजेस, स्यू फॉर, अच्छा ये बायर लिखा था मैंने, सॉरी फिर तो ठीक लिखा था कि बायर ने अगर पैसे दे दिए हैं तो वो दिया हुआ पैसा वापस मांग सकता है, तो स्यू फॉर अमाउंट पेड राइट आंसर, और स्यू फॉर डैमेजेस जो उसे नुकसान हुआ सेम डेट पर जब डिलीवरी नहीं हो पाई तो बायर को अपना फर्नीचर किसी और फर्नीचर डीलर से लेना पड़ा और वैसा ही फर्नीचर उसे ज्यादा महंगे दामों पर मिला, तो जितना महंगे दामों पर उसने परचेज करा वो उसके डैमेजेस बनते हैं, वो डैमेजेस मांग सकता है सेलर से। सेलर जो है सेल के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स तो वापस मांग नहीं सकता क्योंकि गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, बस वो गुड्स के प्राइजेस मांग सकता है जो अनपेड प्राइस है जितना पैसा नहीं मिला है, या डैमेजेस मांग सकता है। और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर जो है डैमेजेस के लिए मांग सकता है, वो ये नहीं कह सकता कि आपको खरीदना पड़ेगा, वो कहेगा ठीक है जो नुकसान हो गया वो नुकसान मुझे आप दीजिए, गुड्स तो ऑलरेडी उसके पास पहुंच गए अपने पास ही है। ठीक है स्टूडेंट, रिस्क, सेल में मालिक कौन है? बायर, तो रिस्क ऑलवेज फॉलो ऑनरशिप, तो यहां बायर रिस्क बियर करता है और यहां पर चूंकि पहले से ही सेलर मालिक है तो सेलर ही बियर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब आप उतार लीजिए और इसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं सेल और हायर परचेज में डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम सेल्स। हायर परचेज में डिफरेंस, सबसे पहले मैं हायर परचेज के बारे में आपको बता दूं, हायर परचेज होता क्या है। स्टूडेंट्स आप लोग मोटरसाइकिल परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट पर, तो बेसिकली वो हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्टॉलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने कार भी परचेज करी होगी कभी बाय चांस, या आपके फैमिली मेंबर्स ने बैंक से लोन फाइनेंस कराकर, तो बेसिकली वो हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था। हायर परचेज के कॉन्ट्रैक्ट को पहले आपको बता दूं कि हायर परचेज के बारे में थोड़ा सा समझा दूं मैं, सेल के बारे में हम काफी देर से समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स हायर परचेज का मतलब है कि आप जब परचेज कर रहे हैं तो जो सेलर है उसने आपको वो गुड्स तो दे दिया है लेकिन ऑनरशिप नहीं दी है, और उसने एक ये बात कही कि ऑनरशिप आप तभी आपको मिलेगी जब आप इसकी सारी पेमेंट यानी लास्ट पेमेंट तक सारी पेमेंट दे देंगे। और स्टूडेंट्स एग्रीमेंट में ये है उसे एक डेफिनेट अमाउंट देंगे जो इंस्टॉलमेंट में बना हुआ होता है, और अगर आपने पेमेंट बीच में नहीं दी तो सेलर आपसे सामान लेकर जा सकता है, और जो भी सामान जो भी बीच में आपने पेमेंट करी है वो सारी की गई पेमेंट वो सारी की गई पेमेंट्स
बेचने वाला सेलर या फाइनेंसर यानी बैंक किराया मांग लेगा, क्या मान लेगा, किराया, रेंट। मिसाल के तौर पर कार लेकर आते हैं किराए पर, मान लीजिए आपने कार एक महीने के लिए किराए पर लिया, तो आप एक महीने का किराया पे करेंगे ना, तो हायर परचेज में सेलर या फाइनेंसर बायर को यह कहता है कि जो आपने मेरे को मंथली पेमेंट करी है वो उस कार का रेंट था, अगर आप अपनी पेमेंट आखिर तक पूरी नहीं देंगे तो वॉट एवर यू हैव पेड इट बी ट्रीटेड एज रेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी दैट गुड्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल्स और हायर परचेज में सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑनरशिप ट्रांसफर। सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है और हायर परचेज में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। हायर परचेज में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी, आफ्टर लास्ट पेमेंट, आफ्टर लास्ट पेमेंट, जो आपकी आखिरी पेमेंट है तब। सेल में स्टूडेंट्स चाहे आपने कैश में गुड्स खरीदा हो या उधार में खरीदा हो, ऑनरशिप तभी की तभी इंस्टेंटली इमीडिएटली तभी की तभी ट्रांसफर हो जाती है, बायर तभी की तभी मालिक बन जाता है और सेलर उस दिन से जैसी सेल हो जाती है उस दिन से कभी मालिक नहीं बन पाएगा। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। पोजीशन ऑफ बायर, सेल्स में बायर की पोजीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ऑनर की होती है क्योंकि वो मालिक बन चुका है बायर को। और हायर परचेज में बायर की पोजीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, वो मालिक तो बना नहीं है तो ऑनर तो कह नहीं सकते, तो उसकी पोजीशन है स्टूडेंट्स बेली की, इसकी बेली की। ये बेली कौन होता है, आइए समझाता हूं मैं। बेली कौन होता है स्टूडेंट्स, आप लोग अपने पड़ोस से, पड़ोस वाले अंकल से या आंटी से, मान लीजिए आपको घर में सीढ़ी की जरूरत है तो आप पड़ोस वाले अंकल आंटी से सीढ़ी मांग कर आते हैं, आपको उसे लगाना है कुछ यूज करना है, तो ऐसी हालत में आप उस चीज के बेली माने जाएंगे, जिन्होंने वो आपको दिया वो बेलर माना जाएगा। बेली मतलब उस सामान को यूज करने का तो हक है उसे लेकिन बेचने का हक नहीं है। बेली का मतलब वो मालिक नहीं है लेकिन वो मालिक की परमिशन से उस चीज को यूज कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो आईपीसीसी में आपको पढ़ने को मिलेगा, आप उसमें सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के रूल्स। तो एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन बता दी कि बेली वो आदमी है जो हु इज यूजिंग द गुड्स बट विद द परमिशन ऑफ ऑनर। अब चाहे आप पैसे के लिए पैसे से यूज कर रहे हैं यानी किराया देकर या बिना किराए के, इट डिपेंड्स ऑन द परमिशन ऑफ द ऑनर। आप कार किराए पर मंगा रहे हैं और किराया दे रहे हैं तो ये भी बेलमेंट है, आप बेली हैं लेकिन आप पेमेंट बेली हैं फॉर ए आफ्टर पेइंग ए पेमेंट ऑफ सम कंसीडरेशन। और फ्री में भी होता है, पड़ोस वाले अंकल आंटी से जो आप सीढ़ी लाए हो फ्री में लाए हैं तो तब भी आप बेली माने जाएंगे। तो प्राइस इज नॉट एन इशू, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एन इशू। तो हायर परचेज में सेलर की परमिशन से आप सामान को यूज कर रहे हैं तो जो सेलर है वो बायर है और वो बेलर है और आप बेली हैं, आप यानी बायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कार खरीदी, क्या आप खरीदने के बाद कार को लौटा सकते हैं, बताइए क्या आप खरीदने के बाद कार को लौटा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका जवाब है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट सेल्स में आप एक बार मालिक बन चुके हैं, एक बार मालिक बन जाने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो यहां पर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, सेलर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने सेल कर दिया, मालिक बन चुके हैं। पर हायर परचेज में अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, आप बीच में किश्तें की पेमेंट जो दे रहे हैं वो मत दीजिए, आप पेमेंट मत करो। जब आप पेमेंट नहीं करोगे
तो सेलर आएगा अपने आप जाकर सामान उठाकर ले जाएगा, तो यानी यहां पर हायर परचेज में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। यस इट इज टर्मिनेटेड, बायर कैन टर्मिनेट, बायर आसानी से सामान को वापस लौटा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अरे ये तो दोबारा आ गया, यहां कि सेल्स में जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी है तभी हो जाती है और हायर परचेज में आफ्टर लास्ट पेमेंट हो जाती है, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बायर ऐसे लिख देता हूं मैं, और यह ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय बायर। क्या बायर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? तो यहां पर कर सकता है, यस, क्योंकि वो ही हिमसेल्फ द ओनर, क्योंकि वो खुद ही मालिक है, तो एक मालिक आदमी को मालिक बना सकता है, तो बायर कैन ट्रांसफर इट्स प्रॉपर्टी, बायर कैन ट्रांसफर इट्स ऑनरशिप, तो यहां पर वो माल को बेच सकता है, तो ही कैन ट्रांसफर द ऑनरशिप। पर स्टूडेंट्स हायर परचेज में मालिक कौन है बताओ? हायर परचेज में मालिक है सेलर, बैंक, तो इसलिए बायर क्या माल को बेच पाएगा? नहीं ना, तो यहां पर बायर कैन नॉट ट्रांसफर इट्स ऑनरशिप बिकॉज ही इज नॉट द ऑनर, सो ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑनरशिप बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट द ऑनर ऑफ द गुड्स। व्हाट यू डोंट हैव यू कांट ट्रांसफर दैट, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके पास नहीं आप उसे किसी को दूसरे को दे नहीं सकते, तो अगर ये खुद ऑनरशिप नहीं रखता तो हाउ कैन ही पास हिज ऑनरशिप बिकॉज ही हिमसेल्फ डजंट हैव दैट ऑनरशिप। ये बेसिस आपको मैंने बताया सेल्स और हायर परचेज में, याद रखिएगा आप इन चीजों को, दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया गया है। छोटी छोटी बातें कुछ और रह गई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट रेट में, सिर्फ उतना छोटा छोटा सा बताना है। मेन ये जो बेसिक था यूनिट फर्स्ट था सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, ये फिनिश होने जा रहा है अब जल्द ही, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे अभी, हम आपने सिर्फ लेसन को रिवाइज करना है। स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में बैठे हैं स्टूडेंट्स उनको भी यही बात कह रहा हूं, और जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं मैं उनको भी यही बात कह रहा हूं कि आपने इस लेक्चर को दोबारा से देखना है, यही आपका रिवीजन है, और जो क्लासरूम में बैठे हैं वो अपने घर पर जाकर इस वीडियो एक्सेस ले सकते हैं, और जो मैंने आपको अपना मेटीरियल दिया हुआ है, जो मैंने अपनी बुक्स दे रखी है, ठीक है, दिखा देता हूं, एक बुक्स दीजिए मुझे स्टूडेंट्स, एक बुक दीजिए, हाँ ये बुक्स मैंने आपको दे रखी है अपनी वाली बुक्स, तो इसमें आप इस बुक्स को पढ़ लीजिएगा। जिनके पास ये बुक्स ना हो वो सीए स्टडी मटेरियल की, जो सीए इंस्टीट्यूट का अपना स्टडी मटेरियल है उसका यूनिट वन पढ़कर अच्छे से खत्म कर डाले, बाकी साइट पर जहां मेरा वीडियो लेक्चर्स है वहीं पर ही ये बुक अवेलेबल है, इसे मुझसे मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं और वहीं से पढ़ सकते हैं, और फिजिकली हो तो प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको बुक फॉर्म में बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम इससे आगे छोटे छोटे चैप्टर रह गया वो उसे खत्म करते हैं, फिलहाल इसे कॉपी कर लीजिए आप। थैंक यू।